दीपावली पूर्वरु झलसुची रामनगरी अयोध्या सरजू नदी कूल को रंगीन आलोकमाला सजा जाइछि आ प्रति संध्यारे राम की पड़ी घाटरे आकर्षणीय लेजर लाइट शो रो आयोजन करा जाउछि। लाइट एवं साउंड शो माध्यमरे रामायण कथावस्तु परिवेषण करा जाउछि जहाकु दर्शक माने खूब उपभोग करछन्ति। रिपोर्ट सब लागि अयोध्या रे स्वतंत्र आयोजन करा जाउछि। आठवां दीपोत्सव है और हम पिछले 7 साल से यहाँ पर रिकॉर्ड बना ही रहे हैं, लेकिन इस बार अलग इसलिए है क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद ये पहला दीपोत्सव है और उस हिसाब से यहाँ पे चैलेंजेस भी ज़्यादा है और उत्साह भी ज़्यादा है। लोगों का एक एंथुसियाज्म है कि यहाँ पे ज़्यादा शामिल हो वो और दीपोत्सव सक्सेसफुल हो। इस बार दीपोत्सव में 2 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट हो रहे हैं। पहला है सबसे ज़्यादा लोग एक साथ आरती करेंगे, सरयू आरती का रिकॉर्ड है वो, जो शाम को सरयू आरती होती है तकरीबन संध्या के आसपास, तो वो एक अटेम्प्ट होगा जिसमें 1100 से ज़्यादा लोग एक साथ सरयू आरती करेंगे। और दूसरा जो हमारा रेगुलर जो हर साल होता है वही अटेम्प्ट है, दियो का अटेम्प्ट, लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैम्प, और इस बार का टारगेट है 25 लाख दिए। तो टारगेट के हिसाब से हमें कुछ 28 लाख दिए बिछाने पड़ेंगे। पिछली बार हमारा रिकॉर्ड बना था 22 लाख 23 हज़ार और 25 लाख का टारगेट तोड़ने के लिए हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा चाहिए, ये सबसे बड़ी चैलेंज थी इस बार। तो हम बहुत, ये आप देख रहे हैं, नया घाट पुराने घाट हर जगह को लेखने के बाद हमने भजन संध्या स्थल भी ले लिया है इसमें, क्योंकि हम 28 लाख दिए लगा पाए तभी जाके 25 के आसपास का रिकॉर्ड हम बना पाए। और इस बार वॉलंटियर की भी संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं। और इस बार हमने दियो, अगर आप देखेंगे तो दियो का साइज़ एक स्पेसिफिक 30 ml का रखा है ताकि हम कम साइज़ में ज़्यादा दिए लगा पाए जी और एरिया कवर कर पाए जी। तो और आप देख भी रहे हो कि आज 2 दिन पहले ही हमारे काफ़ी दिए लग गए हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट है वो 50% से ज़्यादा, मतलब तकरीबन 12.5-13 लाख दिए हमारे लग गए हैं, तो वो अच्छी बात है। कल शाम तक हमारा एक ड्राई काउंट भी आ जाएगा और फिर 30 तारीख को शाम को संध्या को ही हम हर साल की तरह दिए जलाएंगे और वो एक नया रिकॉर्ड हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं।